बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के बैतूल से, जहां आज चार मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग होगी। जी हां, चार मतदान केंद्र पर बैतूल के फिर से वोटिंग होगी। असल में 7 मई को पोलिंग पार्टी की जो बस थी उसमें ईवीएम मशीन में आग लग गई थी, जिसकी वजह से आज चार मतदान केंद्रों पर फिर वोटिंग करवाई जाएगी। चार बूथों पर करीब 3037 मतदाता वोट डालेंगे आज। आपको बता दें, पहली बार ऐसा होगा कि मध्यम उंगली पर स्याही लगेगी। बता दें, 7 मई के दिन तर्जनी उंगली पर स्याही लगी थी। आमतौर पर जब हम वोट देने जाते हैं तो तर्जनी उंगली पर स्याही लगाई जाती है, लेकिन आज क्योंकि फिर से वोटिंग हो रही है इसलिए मध्यमी उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के बैतूल से, जहां आज चार मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग होगी। बता दें, इससे पहले 7 मई को जब मतदान के बाद पोलिंग पार्टी की बस में ईवीएम लेके जा रही थी पोलिंग पार्टी की बस, उस समय उसमें आग लग गई थी, जिसकी वजह से आज फिर से चार मतदान केंद्रों पर वोटिंग करवाई जा रही है। बता दें, चार बूथों पर कुल 3037 मतदाता फिर से आज वोट डालेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है। बता दें कि मध्यमा उंगली पर स्याही लगेगी। आमतौर पर तर्जनी उंगली पर स्याही लगती है। 7 मई को भी यही हुआ था, तर्जनी उंगली पर लोगों की स्याही लगाई गई थी, ये वोट देने का चिन्ह था। लेकिन क्योंकि मतदान फिर से हो रहे हैं इसलिए मध्यमा उंगली पर आज स्याही लगाई जाएगी। बता दें, बैतूल के चार मतदान केंद्रों पर आज फिर से वोटिंग हो रही है, जहां चार बूथों पर कुल 3037 मतदाता आज फिर से वोट डालेंगे। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को हुआ था। इससे पहले 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान पहले और दूसरे चरण का संपन्न हुआ था। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को हुआ था। लेकिन और इसी क्रम में हमारे साथ राजेश पाल जुड़ गए हैं बैतूल से। राजेश, हमारे दर्शकों को बताइए, उस दिन क्या हो गया था? पोलिंग पार्टियों की बस में आग कैसे लग गई थी जिससे कि ईवीएम जल गया? हाँ जी, 7 तारीख को दूसरे चरण का जो बैतूल में मतदान था, वही बैतूल के मुलताई विधानसभा क्षेत्र में 6 जगहों की ईवीएम मशीन लेकर के जो बस आ रही थी, उस बस में अचानक आग लग गई, तो जिसमें रखी हुई 2 ईवीएम को बचा लिया गया एवं 4 ईवीएम जो है वो जल चुकी थी। तो इसके कारण फिर चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि आज मतदान होना है इन चारों जगह पर। उसमें और अभी मतदान चालू हो चुके हैं और लोगों में भारी उत्साह लगभग अभी थोड़ी देर पहले की सूचना है कि 21.83% मतदान हो चुका। जी, क्या आज भी मतदान 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक ही चलेगा? जी जी, आज भी समय वही रहेगा, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। अच्छा जी जी, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मध्यमा उंगली का इस्तेमाल होगा स्याही लगाने का। इससे पहले तर्जनी उंगली पर लगाया जाता है आमतौर पर स्याही, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब मध्यमा उंगली पर लगेगा स्याही। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, चूंकि अभी 7 तारीख को ही मतदान हुए थे और उसमें जो है पहली उंगली का निशान लग चुका है, तो इसको लेकर के निर्णय लिया गया है कि अब चुनाव का जो निशान है वो मध्यमा उंगली पर लगा करके ही वोटिंग की जाएगी करके। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद राजेश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता राजेश बैतूल से, जिन्होंने हमें आज के जो दोबारा मतदान हो रहा है बैतूल के चार केंद्रों पर उसके बारे में जानकारी दी। हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के बैतूल में आज चार मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग हो रही है। 7 मई को जो मतदान हुआ था बैतूल में, उसमें जो पोलिंग पार्टी की बस थी उसमें ईवीएम की मशीनों में आग लग गई थी, जिसकी वजह से आज चार मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग करवाई जा रही है। आपको बता दें, बैतूल के चार मतदान केंद्रों पर कुल 3037 मतदाता आज फिर से वोट डालेंगे।